हेलो स्टूडेंट्स, सो इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लोनिंग वैक्टर विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सी, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये एक प्लास्मिड है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल प्लास्मिड जिसे बॉलीवर एंड रोड्रिग्वेज ने मिलकर बनाया 1977 में. उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया ई कोलाई है उसमें से इस प्लास्मिड को बाहर निकाले और इसमें उन्होंने आर्टिफिशियली सब अपने साइट्स जोड़ दिए. ये जो आप देख रहे हो, इतने सारे जो हिंड 3 है, BAMH फर्स्ट है, साल 1 है, क्ला फर्स्ट है, इको आर फर्स्ट है, PVU फर्स्ट है, PST फर्स्ट है, ठीक है. रोप साइट में भी एक आपका मिसिंग है यहाँ पर, दैट इज़ PVU सेकेंड. तो ये जो है आपका एक क्लोनिंग वैक्टर है, ठीक है, इसे क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया है. वेक्टर का मतलब होता है कैरियर. आपने कैरियर, आप जानते हो कि प्लास्मोडियम का कैरियर होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, राइट. तो वो कैरी कर रहा होता है प्लास्मोडियम अपने सलाइवरी ग्लैंड में. इन द सिमिलर वे ये जो वेक्टर होते हैं ये भी कैरियर होते हैं फॉरेन जीन के. अब ये प्लास्मिड एक वेक्टर है और ये वेक्टर इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाइगेट करेंगे, जोड़ेंगे फॉरेन जीन, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट. सपोज इंसुलिन बनाने वाले जीन को हम लोग इस वेक्टर में लाइगेट कर दें तो ये क्या हुआ, ये बन जाएगा वेक्टर, ठीक है. तो इसको और अच्छे से आपको समझना है तो वेक्टर्स अभी आप समझ गए कि इट इज़ अ DNA मॉलिक्यूल्स. ये प्लास्मिड होते हैं, प्लास्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं बैक्टीरिया के अंदर. ये खुद से अपना कॉपीज बना सकते हैं, राइट. और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं, मींस बैक्टीरिया के अंदर अपना उसका मेन जीनोम तो होता ही है, मेन उसके अपने DNA तो होते ही हैं. साथ साथ प्लास्मिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और प्लास्मिड जो है वो मेन DNA पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपना कॉपीज खुद बना सकता है. दिस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA एंड दैट इज कॉल्ड प्लास्मिड. बायोटेक्नोलॉजी में जो मोस्ट कॉमन हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्लास्मिड. ऐसे वेक्टर के फॉर्म में हम लोग बैक्टीरियोफेजेस भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें हाई कॉपी नंबर होते हैं. अब ये कॉपी नंबर क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. नाउ सी, तो बॉलीवर एंड रोड्रिग्वेज ने PBR322 बनाया. P स्टैंड्स फॉर प्लास्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रोड्रिग्वेज. ये एक उन्होंने क्लोनिंग वेक्टर बनाए. क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसमें फॉरेन जीन को लाइगेट करोगे तो ये वेक्टर बन गए, राइट, कैरियर बन गए फॉरेन जीन के. अब ये फॉरेन जीन ईजिली इंट्रोड्यूस हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल में और यहाँ वो अब हमारे फॉरेन जीन का कॉपीज बनाएगा क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. अगर ये अपना कॉपी बनाएगा तो इसी में हमारा फॉरेन जीन भी जुड़ा हुआ है तो उसके कॉपी भी ऑटोमेटिकली बनेंगे. डैट्स वाई यहाँ पे क्लोन्स तैयार हो जाएगा हमारा फॉरेन जीन का एंड डैट्स वाई वी कॉल इट क्लोनिंग वैक्टर, राइट. नाउ एक क्लोनिंग वैक्टर में, एक आइडियल वेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए. फर्स्ट, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, ओरी साइट होना चाहिए, मींस द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. ऐसा साइट, ऐसा DNA का सीक्वेंस होना चाहिए प्लास्मिड में जहाँ से DNA खुल सके और खुलने के बाद उसका रेप्लिकेशन हो सके, उसका कॉपी बन सके, डैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. रिकॉग्निशन साइट्स होने चाहिए. रिकॉग्निशन साइट्स का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखो, रिकॉग्निशन आप यहाँ पे देख रहे हो BAMH फर्स्ट साल 1. ये जो BAMH फर्स्ट है, हिंड 3 है, क्ला फर्स्ट है, इको आर फर्स्ट है, ये सब क्या है, दीज आर ऑल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ऑल दीज आर मोलिकुलर सीजर्स. DNA को कट करने वाले ये बैक्टीरिया से, अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले गए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स है. और आप जानते हो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम अपने एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं और वहाँ पर ये कट लगाते हैं. और सभी कोई का एक एक जो आरी होता है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने साइट को पहचानते. फॉर एग्जांपल इको आर फर्स्ट, ये एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया आरी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है. अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि इसका साइट यहाँ है, इसका मतलब क्या है,
ई को आर आई फर्स्ट, क्या अपने इसके सीक्वेंस कौन से होते हैं? जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं, तो इसके यहाँ पे साइट जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है? तो डैट इज द साइट्स ऑफ ई को आर फर्स्ट। उसी तरह क्ला का अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो यहाँ पे ऐड कर दिए गए। हिंट थर्ड, जो कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे बैक्टीरिया से निकाले गए, उसके साइट यहाँ लगा दिए गए। और ये जितनी भी जो साइट है, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप हिंट थ्री को यहाँ पे डाल दो, ठीक है, और बी ए एम एच फर्स्ट को यहाँ कर दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर, यहाँ पर एक मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पर पी वी यू सेकेंड होंगी, पी वी यू फर्स्ट यहाँ पर आ रही है, तो पी वी यू सेकेंड आर ओ पी के, रेप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो यहाँ पर इसके साइट हैं, राइट। तो ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जिसमें हम लोग अभी अपने फॉरेन जीन को इसमें डालेंगे, लाइकेट करेंगे। एंड इन 1977 इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज। यू हैव टू लर्न दिस नेम, राइट। नाउ अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए के वो सीक्वेंस होते हैं, सपोज ये प्लास्मिड है आपने बैक्टीरिया से निकाले, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओ आर ई और ओ आर फ आई, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, मीन्स इस साइट से डीएनए खुलेंगे और इसके कॉपीज तैयार होंगे, ठीक है, मतलब इसके आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगे। सपोज अब मैंने इसमें कुछ जीन्स है, सपोज यहाँ पर ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है एंड डी जीन है। अब हम चाहते हैं कि ए जीन का एक्सप्रेशन हो और रेप्लिके जो इसके ट्रांसक्रिप्शन है वो इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का बनना, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, डैट इज प्रोटीन्स बनेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ए जीन का एक्सप्रेशन हो, तो वो इस साइट से अगर हो रहे हैं, तो हमारा ए जीन का तुरंत एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ओरी साइट की ये नज़दीक है, और उसके बाद हमारा ए जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, बस हमें यही चाहिए था। तो डैट इज़ ये बहुत अच्छा वेक्टर है हमारे लिए, कि हमें जो चाहिए उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन हो चुका। लेकिन सपोज हमें बीन जीन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो बीन जीन को अगर एक्सप्रेस करना है, तो वो यहाँ से स्टार्ट अगेन हो रहे हैं, तो ए जीन का भी पहले एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद बी का टर्न होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ए का जीन का तो एक्सप्रेशन आपको चाहिए नहीं था, आपको तो बी जीन का एक्सप्रेशन चाहिए था। अनवांटेड आपके ए जीन का भी एक्सप्रेशन हो जाता है अगर आप जीन को यहाँ जोड़े हो, जिसका आप रेप्लिकेशन, जिसका आप एक्सप्रेशन चाहते हो, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका आपको रेप्लिकेशन चाहिए, तो वो ओरी साइट के पास आप लाइगेट करो। सपोज यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, तो अब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होगा, इसका एक्सप्रेशन, तो मेरा इसका इस जीन का एक्सप्रेशन हमें चाहिए था, ये हो जाएगा, अनवांटेड जीन का एक्सप्रेशन होने से बच जाएंगे, राइट। तो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो डीएनए का ये सीक्वेंस होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पर आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, इस जगह पे, इसी के पास में हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं और यहाँ पर हमारे इसके कॉपीज मिलते हैं। होस्ट सेल के अंदर जब आप इसको डाल दोगे, तो इसका रेप्लिकेशन, इसके कॉपीज बनते हैं। नाउ दिस ओरी साइट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करते हैं लिंक्ड डीएनए का। ये लिंक्ड डीएनए है जो आपने बाहर से जीन डाले हैं। नाउ सपोज व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी नंबर? तो देखो, कॉपी नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन अ सेल। सपोज ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अपने मेन डीएनए है, और इसके अलावा प्लास्मिड है, जो कि वेक्टर है, जिसमें हमारा फॉरेन जीन होगा। तो ये एक सिंगल बैक्टीरिया में इसके सिंगल कॉपी भी हो सकते हैं, वन इन नंबर, या फिर मैक्सिमम ये रेप्लिकेट कर 100 भी बना सकता है, तो इसके 100 कॉपीज भी हो सकते हैं
एक सेल में, बैक्टीरियल के एक सेल में, एंड दिस इज कॉल्ड कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स का जिसमें हमारा फॉरेन जीन है उसके ढेर सारे कॉपीज बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉपी नंबर, एंड इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ओरिसाइट, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन हम लोग प्लास्मिड इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, बैक्टीरियोफेजेस को भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, ये बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर बनाते हैं। डैट मीन्स व्हाट, कि जिसमें फॉरेन जीन हमारा इंट्रोड्यूस्ड होगा उसके कॉपीज काफ़ी ज़्यादा ये बना सकते हैं। बैक्टीरिया का आप देख सकते हो इट वेरीज फ्रॉम 1 to 100 कॉपीज पर सेल, डैट इज द कॉपी नंबर ऑफ प्लास्मिड, राइट। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर्स एंड द डिटेल्स ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स। वन मोर थिंग यू अंडरस्टैंड हियर, साइज ऑफ द वेक्टर, ये भी एक आइडियल वेक्टर का क्वालिटीज़ है। साइज कैसे मैटर करता है, सपोज आपके साइज काफ़ी बड़ा है वेक्टर का, ठीक है, तो इसको निकालना मुश्किल होगा होस्ट बॉडी से, और फिर इसको होस्ट बॉडी में डालना मुश्किल होगा। तो बड़े साइज से कहीं बेटर होते हैं छोटे साइज के वेक्टर, जो कि ईजिली आप निकाल सकते हो होस्ट सेल से, और ईजिली इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो होस्ट सेल्स में, और उसमें अपने फॉरेन डीएनए को डालकर, राइट। एंड दैट इज द साइज ऑफ द वेक्टर ऑल्सो रियली मैटर्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द रिकॉग्निशन साइट्स एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स इन डिटेल्स। थैंक यू चिल्ड्रेन।